का खेल खेलते हैं। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने बताया कि परीक्षा रद्द करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी जिसमें 9 लाख छात्र शामिल हुए थे। संयुक्त सचिव ने बताया है कि 19 जून को यूजीसी को कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे लगा कि परीक्षा में शायद कॉम्प्रोमाइज हुआ है और मंत्रालय को जैसे ही इसकी जानकारी हुई है परीक्षा को तुरंत रद्द किया गया और मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया गया। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर आई4सी से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वही शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वे छात्रों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। Is committed to ensure student interest at all level and ministry does not and will not hesitate to take any action against anyone if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. Students ka hit hamare liye sarvopari hai aur hum sabhi committed hain aur sabhi agency ke sath hum kaam kar rahe hain aur isiliye proactive step liya gaya hai ताकि कोई भी ये क्लेम ना कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। और इसी मामले पर दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ जुड़ गए हैं। निशांत, हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही है और क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए साहिमा, ये 18 जून को परीक्षा हुई थी, यूजीसी नेट परीक्षा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाती है। साल में दो बार ये परीक्षा होती है, एक बार जून में होती है और एक बार दिसंबर में होती है। तो ये जो 18 जून को जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, देश के 317 शहरों के 1200 से अधिक केंद्रों पर हुई थी। तो परीक्षा के बाद जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको आई4सी बोलते हैं, जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, उसके माध्यम से यूजीसी को कुछ इनपुट्स मिले कि इस परीक्षा की सुचिता के साथ समझौता किया गया है, सैंक्टिटी के साथ, पवित्रता के साथ कुछ समझौता हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और कुछ गड़बड़ियां हुई हैं कुछ जगहों पे। तो इससे जुड़े इनपुट्स यूजीसी को मिले थे। यूजीसी ने ये सूचना फिर शिक्षा मंत्रालय को दी और शिक्षा मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया, क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है और जैसा कि आपने बताया कि 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और इसी परीक्षा के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली होती है या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप दिया जाता है। और इस साल से यह भी निर्णय लिया गया था कि जो पीएचडी में दाखिले होते हैं वो भी इसी नेट परीक्षा के माध्यम से होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है और ऐसे में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की धांधली की शिकायत आती है तो शिक्षा मंत्रालय ने काफ़ी त्वरित कार्रवाई की उसके ऊपर और उसको रद्द करने का निर्णय लिया। कल ही रात को ये निर्णय लिया गया और सीबीआई को अब इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। सीबीआई पूरे विस्तार से इस मामले की जांच करेगी कि किस लेवल पर, किस स्तर पर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। और शिक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि आपने बताया भी कि मंत्रालय के हिसाब से ये कहा गया है कि छात्रों के
का हित सर्वोपरि रखा गया है, छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, उनके करियर का पूरा ख्याल रखा जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक अगली परीक्षा जो यूजीसी नेट की परीक्षा जो दोबारा कराने का सवाल है, तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी जिस पर फिर से ये यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्रालय काफ़ी सख्त है इस पूरे मामले को लेकर और अब जांच के बाद जो सीबीआई जांच करेगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन कौन इसमें दोषी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी निशांत, जाहिर सी बात है कि ये एक छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार काफ़ी सख्त है और मंत्रालय ने भी आज कह दिया है कि छात्रों के जो हित हैं उसका खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। वहीं हम देख रहे हैं कि नेट परीक्षा को लेकर जिस तरह से सीबीआई को जांच सौंपी गई है उसी तरह से नीट परीक्षा को लेकर भी कई खुलासे लगातार होते जा रहे हैं और उसको देखते हुए सरकार क्या कदम उठा रही है। जी देखिए, बिल्कुल नीट परीक्षा को लेकर आपको मालूम है कि पहले ही एनटीए ने कहा था कि जो जिन बच्चों को 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी दोबारा परीक्षा इसी रविवार को 23 तारीख को आयोजित करवाई जाएगी। और जहां तक जो धांधली या कथित पेपर लीक के जो मामले पटना में सामने आए हैं उनकी जाँच बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है वो अपने स्तर पर कर रही है और शिक्षा मंत्रालय ने जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई है उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि जांच आपकी जांच में क्या पाया गया है उसका ब्यौरा आप हमें उपलब्ध कराएं। तो बिहार पुलिस जो रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराएगी और उसमें अगर कुछ भी सामने आता है, किसी प्रकार की धांधली की बात सामने आती है, पेपर लीक से जुड़ी हुई कोई बात सामने आती है, तो शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि रिपोर्ट एक बार हमें मिल जाए उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है, नीट के मामले में भी कहा है कि छात्रों को अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत रहना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय ये पूरा प्रयास करेगा कि उनके हितों से कोई समझौता ना हो और जो भी जहां भी अलग अलग जगहों पे गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है नीट परीक्षा में उसकी पूरी निष्पक्षता से पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी। जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।